ये कहानी शुरू होती है नेल्सन से। फिलहाल वो एक लड़की के साथ संभोग कर रहा है, पर संभोग के बाद उस लड़की को अवॉइड करने लगता है। उसके ऑफिस कलीग का फ़ोन आया और वो अपने ऑफिस पहुंच गया। इन सब के बाद वो डीएमवी ऑफिस पहुंचा है डीएमवी टेस्ट देने के लिए। यहाँ कहानी में सारा का प्रवेश हुआ है। सारा काफ़ी अलग तरह की कैरेक्टर है। ये कहानी दरअसल सारा के इर्द गिर्द ही घूमती है। बेफिक्र अंदाज में वो ज़िंदगी को जीती है। आज जब वो टेस्ट देने पहुंची है तो काफ़ी सारे सामान के साथ। उसकी हरकतें देखकर सबको हंसी आ जाती है। टेस्ट के दौरान नेल्सन की नज़र सारा पर जाती है। वो सारा से एक सवाल का आंसर पूछता है। सारा जब उसे रिप्लाई देती है तभी एग्जामिनर सारा को देख लेता है। उसने सारा को उसके आंसर शीट के साथ बुलाया, उसके पेपर को फाड़ दिया और इसके बाद क्लास से बाहर निकाल दिया। बाद में जब नेल्सन अपना एग्जाम पूरा करके बाहर आया तब वो अपनी कार ढूंढ रहा है। उसकी कार पर बैठी है सारा। सारा कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पेपर कैंसिल हो गया। नेल्सन वापस अपने घर आ गया है, पर तभी सिक्योरिटी गेट पर सारा पहुंची है। वो नेल्सन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पेपर कैंसिल हुआ है। जब तक मैं इस टेस्ट को पास नहीं कर लेती तुम्हें मुझे ड्राइव करते हुए मेरे लोकेशन पर पहुंचाना होगा। मजबूरन नेल्सन उसे लिए ड्राइव करता है। सारा यहाँ से दो पेट को चुरा कर लाती है। नेल्सन गाड़ी भगाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की लड़की के साथ उसका पाला पड़ा है। उसे शक भी हो रहा है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, वरना लड़की उसके पीछे क्यों पड़ी है। सारा के पूछने पर नेल्सन बताता है कि वो एडवर्टाइजिंग में काम करता है। सारा उसे अपने घर आने की जिद करती है कॉफ़ी के लिए। नेल्सन को लगता है कि आजकल के ज़माने में यूँ किसी लड़की के घर जाना उसके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। वो मना कर देता है। सारा की जिद पर उसे अंदर आना ही पड़ा। सारा कहती है कि अगले दिन से नवंबर शुरू हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये पूरा एक महीना हम साथ में बिताएं, तुम मुझे अच्छी तरह जान लोगे। नेल्सन बताता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ऐसा कहकर वो चला गया। अगले दिन ऑफिस में वो हॉट डॉग की एडवर्टाइजिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा है। ये प्रेजेंटेशन सबको पसंद आई सिवाय उसके बॉस के। उसके बॉस ने उसे फायर कर दिया है। उसका बॉस कहता है कि नेल्सन अब इस कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। नेल्सन परेशान होकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे डम कर दिया। अब वो भी नेल्सन से बोर हो चुकी है। नेल्सन जब अकेला है तब सारा ने एक पार्सल भेजा है, इसमें उसकी कैट है। नेल्सन गुस्से में कैट को वापस करने सारा के पास पहुंचा है। सारा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूँ, तुम एक महीने यहाँ रह सकते हो, इन शॉर्ट तुम मेरे स्वीट नवंबर बन जाओ। नेल्सन गुस्सा होता है कि उसकी जॉब और गर्लफ्रेंड दोनों चले गए हैं और ऊपर से ये सारा है जो उसे परेशान किया जा रही है। पर अंत में अपना माइंड चेंज करता है। वो सारा के साथ संभोग करने जाता है पर बीच में ही रुक जाता है। वो इस घर से जाने लगा। सारा आकर उसे रुकती है, कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूँ, तुम एक महीने मेरे साथ रह सकते हो, तुम रहकर तो देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। नेल्सन थक हार कर वापस सारा के साथ इस घर में आ गया। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। अगली सुबह सारा जब ब्रेकफास्ट बनाती है तब उसका पड़ोसी चैंग आ गया। नेल्सन समझ जाता है कि उसके पहले चैंग सारा का बॉयफ्रेंड था। वो चैंग के जाने के बाद सारा को वैश्या कहकर बुलाता है। वो कहता है कि तुम हर महीने लड़के बदलती हो और इससे हेल्प करना समझती हो, तुम बड़ी अजीब हो। वो जाने लगा। सारा उसे मनाने जाती है। वो कहती है कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो, चैंग सिर्फ मेरा पड़ोसी है। तुमसे पहले मेरा एक और बॉयफ्रेंड था, उसे मैंने अक्टूबर नाम दिया था, उसके पहले कोई नहीं था, तुम मेरे नवंबर हो। नेल्सन उसे पूछता है कि सारा ये सब कर क्यों रही है। सारा कहती है कि उसके अपने रीजंस है, उसे नेल्सन से सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए फिर सब ठीक हो जाएगा। नेल्सन कहता है कि अब उसके पास ना तो जॉब है ना ही गर्लफ्रेंड है, वो भी अकेला है, उसे सारा से हेल्प चाहिए। अब दोनों ने प्रेमी प्रेमिका की तरह साथ में रहना शुरू कर दिया है। दोनों साथ में बीच पर जाते हैं। सारा यहाँ डॉग्स के साथ खेलती है, समंदर में उछलती है, अक्सर दोनों साथ में वॉक करते हैं। यहाँ पड़ोस में एक अनाथ बच्चा रहता है एबनर, सारा हमेशा उसकी हेल्प करती है। आज जब सभी बच्चे बोट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तब नेल्सन एबनर की बोट को जिताने के लिए सबकी बोट को धोखे से अपने पनडुब्बी से गिरवा देता है। इस तरह एबनर जीत गया। एबनर बहुत खुश होता है। सारा इन सब को नोटिस करती है। वो नेल्सन से कहती है कि अब तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो। सारा अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती पर नेल्सन से उसके बारे में सब कुछ पूछ लेती है। नेल्सन बताता है कि उसके फादर एक सेल्समैन थे, घर घर जाकर नैपकिन पेपर बेचते थे। नेल्सन हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसके फादर उस पर प्राउड फील करें। वो सिंगर बनना चाहता था पर बन नहीं पाया। बाद में वो एडवर्टाइजिंग में आ गया। सारा एबनर और नेल्सन साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। नेल्सन का दोस्त विंस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विजिट करने आता है। अगले दिन नेल्सन सारा से कहता है कि आज विंस ने उसके लिए एक क्लाइंट ढूंढा है, वो जॉब के लिए जा रहा है। सारा उसे रोकना चाहती है पर वो नहीं रुकता।
नेल्सन विंस के सामने क्लाइंट के जॉब ऑफर को मना कर देता है। उसे अचानक से सारा की याद आई जिसने उससे पूरा नवंबर मांगा था। नेल्सन को रियलाइज हुआ कि अगर वो जॉब करेगा तो ऐसे में वो सारा को पूरा नवंबर दे नहीं पाएगा, यानी वो उसका स्वीट नवंबर नहीं बन पाएगा। सारा गुस्से में नेल्सन उसे मनाने के लिए फूल लाता है। अंत में सारा उसे माफ़ कर देती है। बाद में सारा और नेल्सन एक साथ बाथ टब में नहा रहे हैं। इतने में यहाँ चेज आ जाता है। नेल्सन को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आई। इसके बाद चेज के यहाँ नेल्सन और सारा जाते हैं। चेज यहाँ औरतों के लिबास में है। उसका साथी ब्रैंडी भी औरतों के कपड़े पहने हैं। यहाँ डिस्क्लोज होता है कि ब्रैंडी और चेज का ये प्रोफेशन है। ये दोनों इसी लिबास में अपने वर्क प्लेस पर होते हैं। यहाँ अचानक से सारा की तबीयत ख़राब होनी शुरू होती है। वो यहाँ से घर आ गई। शाम को जब नेल्सन स्ट्रीट में है तब उसे रियलाइज़ होता है कि लाइफ इससे बेहतर नहीं हो सकती। अब वो काफ़ी खुश है सारा के साथ। वो वापस सारा के पास आता है। सारा इस समय किसी बीमारी के सिम्टम्स शो कर रही है, पर वो नेल्सन को देख कर इसे छिपाने की कोशिश करती है। नेल्सन उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है। सारा कहती है कि वो शादी नहीं कर सकती। अचानक उसे जब स्वेटिंग होनी शुरू होती है तब नेल्सन उस केबिन को खोल देता है जिसे सारा ने अब तक छिपाया है। इस केबिन में सारा की दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। सारा नेल्सन पर गुस्सा होती है कि इस केबिन को तुमने क्यों खोला। इसके बाद हॉस्पिटल में डिस्क्लोज होता है कि सारा को कैंसर है। नेल्सन चेस से मिलता है। चेस बताता है कि सारा अपने अंतिम दिनों में फैमिली के साथ भी नहीं रहना चाहती थी। वो यहाँ चली आई। वो एबनॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए उसने कई मर्दों से रिश्ते बनाए। हर मर्द को वो कोई ना कोई मंथ के नाम से बुलाती है। चेस कहता है कि सारा को इससे पहले भी बहुतों ने शादी के लिए प्रपोज़ किया था, पर उसने कभी किसी को हाँ नहीं किया। पर इस बार वो नेल्सन को हाँ करना चाहती थी। नेल्सन बाद में सारा से मिलने जाता है। सारा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह अपना अंतिम समय घर में बिताना चाहती है। नेल्सन उसे गोद में उठाकर घर लाता है, पर इसके बाद वो उसे नहीं मिलना चाहती। वो चेस से कहलवा देती है कि अब वो कभी भी नेल्सन से नहीं मिलना चाहती। बाद में एबनर नेल्सन से मिलने आया है। नेल्सन और एबनर के दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताते हैं। थैंक्स गिविंग डे पर नेल्सन छिप कर खिड़की के रास्ते सेंटा बनकर आता है। वो सारा के लिए 12 गिफ्ट्स लाया है। एक एक करके वो सारा को ये गिफ्ट दिए जा रहा है। सारा यहाँ इमोशनल होती है। अब उसने नेल्सन को यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है। नेल्सन ने इस घर के दीवारों पर ढेरों कैलेंडर लगाए हैं। इन सब में सिर्फ नवंबर ही मंथ है। वो कहता है कि अब से हमारी लाइफ में सिर्फ नवंबर ही होगा, इसके अलावा कोई मंथ नहीं होगा। इन सब के बाद दोनों हमबिस्तर होते हैं। अगली सुबह सारा उठकर यहाँ से जा रही है। नेल्सन उसे रुकता है। सारा दौड़ने लगती है। नेल्सन जब उसे पकड़ लेता है तब सारा कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच सिर्फ अच्छी यादें हों। कोई भी याद तुम्हारे लिए तकलीफ देना हो, मैं वापस अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। वो नेल्सन से प्रॉमिस लेती है कि नेल्सन उसे ढूंढने की कभी कोशिश नहीं करेगा। वो नेल्सन की आँख पर स्कार्फ बांधती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। जब नेल्सन पट्टी खोलता है तब सारा जा चुकी है। वो इमोशनल होता हुआ उस पार्क में जाता है जहाँ उससे वो पहली बार मिला था। जब वो वापस घर की तरफ आ रहा है तब उसकी आँखों में आंसू हैं। इसी नोट पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।